बहुत भिक्षु को मुआवजा रखने की, तमंचा रखने की क्या जरूरत? अरे ये मुझे डीएम ने दिया है, भारत सरकार ने दिया है, ये किसी के बाप ने दिया है। जिसका चरित्र अच्छा होता है उसी को हथियारों का लाइसेंस होता है। जो चोर ना हो, बदमाश ना हो, डकैत ना हो, 6 नंबर 8 नंबर में नाम ना हो, अपाहिज ना हो, लंगड़ा ना हो, दिव्यांग ना हो, और वो जो है पागल ना हो, उसको मिलता है भाई। ये गवर्नमेंट देती है, एसपी का निरीक्षण होता है, पूरा एलआईयू की रिपोर्ट लगती है, पूरा डीएम उसे देख के देता है। ये कोई मैंने अपने आप ले लिया क्या? तो क्या जरूरत पड़गी इसकी आप? अरे मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है हनुमान जी को गदा रखने की, क्या जरूरत पड़ गई तू बता? शिव जी को त्रिशूल रखने की क्या जरूरत पड़ गई? दुर्गे को तलवार रखने की क्या जरूरत पड़ गई? रामचंद्र जी को तीरकमान रखने की क्या जरूरत पड़ गई तू बता मुझे? आज रामचंद्र जी होते टैंक मांगते, वो तो भगवान है। अरे आज वो होते तो वो टैंक मांगते, रॉकेट लॉन्चर मांगते, वो भगवान है और हम इंसान है। भगवान को जरूरत नहीं है, इंसान को जरूरत है। सनातन तो बौद्ध धर्म है, सनातन हिंदू धर्म नहीं है। एस धर्मो सनातनो बुद्धिजिम में कहा गया है, सनातन धर्म तो इन्होंने लूट लिया है, सनातन धर्म इनका नहीं है। सनातन धर्म बुद्ध को कहते हैं। सनातन का मतलब है जो सिद्धायतन है, सिद्धायतन से सनातन बना है। सिद्धायतन क्या है? 5 इंद्रिया और 6वां मन, इसे सिद्धायतन कहते हैं। और सिद्धायतन को इन्होंने सनातन कर दिया है। ये सनातन इनका नहीं है, सनातन बौद्धों का है। यदि तुम्हारा बदनाम हो रहा है, तुम्हारे भगवान करेंगे तुम्हारी रक्षा, क्यों चिंता करते हो? तुम्हारे पास 33 करोड़ देवता हैं, तुम्हारे पास हनुमान जी हैं, तुम्हारे पास शिव जी हैं, तुम्हारे पास चक्र सुदर्शन है, कौन क्यों चिंता करते हो? हिंदू धर्म खतरे में नहीं है, सनातन धर्म खतरे में नहीं है, यहाँ का ब्राह्मणवाद खतरे में है। जो आज ब्राह्मण को अपने जीव को उपार्जन के लिए दक्षिणा नहीं मिल रही है, यहाँ कोई धर्म खतरे में नहीं है, सारे धर्म ठीक तरह से चल रहे हैं। ये देश धर्म निरपेक्ष है, सनातन धर्म खतरे में नहीं है, पंडित जी का दान दक्षिणा खतरे में। फंडिंग हो रही है तो फंडिंग के लिए तुम कौन हो? उसके लिए ईडी है, उसके लिए सीबीआई है, उसके लिए इनकम टैक्स है, उसके लिए हमारा जो कॉमर्शियल डिपार्टमेंट है वो, तुम कौन हो बे? तुमको ईडी हो? वो ईडी अपना काम कर रही है, चाहे बाहर से फंडिंग हो रही है, चाहे अंदर से फंडिंग हो रही है, चाहे कहीं से ही फंडिंग हो रही है, हमको फंडिंग हो रही है। और तुम 10 करोड़ दे रहे हो आदमी को मारने के लिए, तुमको कहाँ से फंडिंग हो रही है? लो लंगोटी पहनकर और तिलक लगा के और नंग धड़ंगे घूम रहे हो, तुम पे 10 करोड़ रुपया कहाँ से आया हमें बताओ? फंडिंग हो रही है। लेकिन HIV से भी तो तुलना नहीं करनी चाहिए ना सनातन की, देखिए। HIV हो चाहे मलेरिया हो, जिस धर्म में जातिवाद है, जिस धर्म में छुआछूत है, जिस धर्म में ऊंच नीच है, जिस धर्म में एक ऊंचा और एक नीचा, वो एटम बम से भी ज़्यादा खतरनाक है। आपको मालूम होना चाहिए, जब जापान पर एटम बम पड़ा तो केवल 1 दिन में 2 लाख मरे, लेकिन जातिवाद के कारण यहाँ पर जुल्म होता है, जातिवाद के कारण अत्याचार होता है, जातिवाद के कारण यहाँ पर बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है, जातिवाद के कारण यहाँ पर घरों में आग लगाई जाती है, जातिवाद के कारण मूछ रखाने पर कत्ल कर दिया जाता है, जातिवाद के कारण यहाँ पर पेशाब पिलाया जाता है जूते में, उसके मुँह पर पेशाब किया जाता है। अरे भाई ये किसके कारण हो रहा है? ये सब वर्ण व्यवस्था के कारण हो रहा है। और वर्ण व्यवस्था किसमें है? किसी भी धर्म में हो, वो एड्स तो क्या, वो तमाम बीमारियों से ज्यादा खतरनाक है। जातिवाद खत्म कर दो, सरनेम लिखना खत्म कर दो, तो हम जानते हैं कि देश में परिवर्तन आएगा। जातिवाद के रहते इस देश में कभी समता की कल्पना मत करना, जातिवाद के रहते हुए यहाँ पर न्याय की कल्पना मत करना, जातिवाद के रहते यहाँ स्वतंत्रता की कल्पना मत करना, यहाँ पर जातिवाद के रहते यहाँ पर एक आदमी ऊंचा एक आदमी नीचा। यादव एक प्रोफेसर को बिहार में कुर्सी पर नहीं बैठने दिया गया, आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पर मेघवाल को मारा गया, यहाँ पर मनीषा वाल्मीकि के साथ बलात्कार हुआ, 4 लोगों ने गैंगरेप किया, तब वो उसका कुछ नहीं हुआ। एक यदि इनके समाज की कोई हो जाए तो उसे हाईलाइट कर देते हैं, मोमबत्ती घूम कर दिखाते हैं, इंडिया गेट पे वो दिखाते हैं, लेकिन वो बेटी भारत की नहीं है, वो बेटी भारत की है। कहने का मतलब है ये कुछ दिन इंतजार और कर लें, हम तैयारी कर रहे हैं, हम इनसे इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए सब कुछ करेंगे। हम पुराने बौद्ध भिक्षु नहीं हैं जिनको पहले पुष्यमित्र सिंह ने गला काट कर मार डाला था। आज बौद्ध भिक्षु भी जाग गया है, बैकवर्ड भी जाग गया है, मुसलमान भी जाग गया है, ईसाई भी जाग गया है। इस देश को किसी भी हालत में ना हिंदू राष्ट्र बनने देंगे। हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन हम व्यवस्था का जरूर विरोध करते हैं। हम व्यवस्था के लिए बनाए रखने के लिए, जिस व्यवस्था में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग खुश रह सकें, हम ऐसा करना चाहते हैं। अरे जब तुम चिल्लाते हो कि मुर्मू दलित महिला को हमने राष्ट्रपति बना दिया, रामनाथ कोविंद को बना दिया, लेकिन वहां पर रामनाथ कोविंद को जगन्नाथपुरी के मंदिर में घुसने नहीं दिया, जबकि वो प्रथम नागरिक होता है। अरे वो भी तो हिंदू है। इधर बताते हो कि राष्ट्रपति बना दिया दलित को, लेकिन दलित को मंदिर में जाने की इजाजत नहीं। मुर्मू को भी बना दिया, लेकिन मुर्मू को
अभी यहाँ पर एक कार्यक्रम हुआ था, अभी इसका पार्लियामेंट का उद्घाटन, उसमें भी नहीं बुलाया गया, नई पार्लियामेंट। एक मंदिर में गई थी, वहाँ पर भी नहीं जाने दिया। अच्छा, हम हिंदू इसलिए हैं कि हमसे तुम काम निकालो, लेकिन जब हमारे सम्मान की बात आए, जब हमको बराबर के अधिकार की बात आए, तब हम हिंदू नहीं रहते, तब हम बैकवर्ड हो जाते, शेड्यूल कास्ट हो जाते, नाई हो जाते, धानुक हो जाते, कहार हो जाते, लोहार हो जाते, चमार हो जाते, यादव हो जाते, कुर्मी हो जाते, संखवार हो जाते, अहरवार हो जाते, तब हम लोग हिंदू नहीं। जातिवाद खत्म हो जाएगा, उसी दिन हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा। जातिवाद और वर्ण व्यवस्था की रीढ़ पर डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, ये हिंदू धर्म खड़ा है, जिस दिन वर्ण व्यवस्था खत्म होगी उस दिन हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा। आप चाहते हो हिंदू धर्म खत्म होना चाहिए? हम नहीं चाहते, लेकिन वर्ण व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं। वो अच्छा होगा तो रहेगा, खराब होगा तो मिटेगा। आज भी आपको बताएं, यहाँ पर जो है मुसलमान, बहुत कम 700 मुसलमान आए थे मोहम्मद बिन कासिम के समय में। आज इसी देश में 25-30 करोड़ कैसे हो गए? एक पाकिस्तान कैसे बन गया? बांग्लादेश कहाँ से बन गया, हमें बताएं आप? वो सब हो रहे हैं जो हिंदू धर्म को छोड़कर आज ईसाई हो रहे हैं, मुसलमान हो रहे हैं, सिख हो रहे हैं। क्योंकि उनको वहाँ समता नहीं मिलती, उनको वहाँ भाईचारा नहीं मिलता। आप उदयनिधि स्टालिन और ए राजा की बात का समर्थन करते हो? हम पूरा समर्थन करते हैं, तन मन धन से समर्थन करते हैं। आपकी आपकी गर्दन की भी गोली लग जाएगी 2-4 करोड़? हमारी गर्दन की 2-4 करोड़ में लग जाए, 100 करोड़ में लग जाए, हम जीते जी, हमें कोई नहीं मारेगा। उस मावजा लटका के घूमते हैं। आप बहुत बिच्छू है, आतंकवादी मावजा लटका। हाँ, बहुत बिच्छू है, लेकिन बहुत धर्म किसी की हत्या की इजाजत नहीं देता। उनमें और आप में क्या फर्क है? क्या हमें उनमें यह अंतर है? हम आत्मसम्मान के लिए कर रहे हैं, वो उस व्यवस्था को ऊंच नीच को कायम रखने के लिए कर रहे हैं। हम लोगों को मनुष्य बनाने के लिए लड़ रहे हैं, हम समता स्वतंत्रता भाईचारा भ्रातृभाव के लिए लड़ रहे हैं, हम कोई अपने स्वार्थ के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हमारा कोई स्वार्थ नहीं। ये बहुत भिक्षुओं को मावजा रखने की, तमंचा रखने की क्या जरूरत? अरे ये मुझे DM ने दिया है, भारत सरकार ने दिया है, ये किसी का बापन दिया है। जिसका चरित्र अच्छा होता है उसी को हथियारों का लाइसेंस होता है, जो चोर न हो, बदमाश न हो, डकैत न हो, 6 नंबर 8 नंबर में नाम न हो, अपाहिज न हो, लंगड़ा ना हो, दिव्यांग ना हो, और वो जो है पागल ना हो, उसको मिलता है भाई। ये गवर्नमेंट देती है, SP का निरीक्षण होता है, पूरा LIU की रिपोर्ट लगती है, पूरा DM उसे देख के देता है। ये कोई मैंने अपने आप ले लिया क्या? तो क्या जरूरत पड़ेगी इसकी आप? अरे मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है हनुमान जी को गदा रखने की, क्या जरूरत पड़ेगी? तू बता, शिव जी को त्रिशूल रखने की क्या जरूरत पड़ गई? दुर्गे को तलवार रखने की क्या जरूरत पड़ गई? रामचंद्र जी को तीर कमान रखने की क्या जरूरत पड़ गई? तू बता मुझे। आज रामचंद्र जी होते और टैंक मांगते? वो तो भगवान है। अरे आज वो होते तो वो टैंक मांगते, रॉकेट लॉन्चर मांगते, वो भगवान है और हम इंसान है। भगवान को जरूरत नहीं है, इंसान को जरूरत है।